हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सपना। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन किचन। आज हम सीखेंगे खीर बनाना। खीर बहुत आसानी से बन जाती है और सबको बहुत टेस्टी भी लगती है और ये खाने में बहुत हेल्दी भी होती है। तो आइए हम खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। खीर बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 लीटर दूध, ये हमने कच्चा दूध लिया है, 150 ग्राम चावल, हमने चावलों को आधा घंटा पहले भिगो दिया था और हमने अब इनका पानी निकाल दिया है, 150 ग्राम चीनी, 2 बड़े चम्मच काजू क्रश किए हुए, 2 बड़े चम्मच पिस्ता क्रश किए हुए, 2 चम्मच बादाम क्रश किए हुए, 10-12 इलायची हमने ली थी उनको क्रश करके उनका छिलका निकाल दिया है और थोड़ा सा हम केसर ले लेंगे। सबसे पहले हम दूध उबाल लेंगे। दूध उबल गया है, अब हम गैस को सिम कर देंगे और इसको एक बार चला देंगे। थोड़ा सा दूध हम इसमें से निकाल के रख लेंगे। और अब हम इसमें चावल डाल देंगे। हम दूध को तब तक पकाएंगे जब तक चावल और दूध अच्छे से मिक्स ना हो जाएं और इसमें लगभग 20 से 25 मिनट लगेंगे और हम बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे ताकि इसके ऊपर मलाई ना आए। और जो हमने दूध निकाल के रखा था इसमें हम थोड़ा सा केसर डाल के रख देंगे। जब 5 मिनट हो जाए तब हम इसमें हमारी इलायची डाल देंगे, अच्छे से चला देंगे और फिर इसको पकने देंगे। थोड़ा इतना ध्यान रहे कि हम इसको बीच बीच में ज़रूर चलाते रहेंगे, नहीं तो हमारी खीर ख़राब हो जाएगी क्योंकि ये नीचे तले में चिपक जाएगी। देखिए हमारे चावल और दूध बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारा ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हम गार्निश के लिए रख लेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जो हमने दूध बचा कर रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम सिर्फ 5 मिनट इसको और पकाएंगे और उसके बाद गैस बंद कर देंगे और हमारी खीर तैयार होगी। हमारी खीर बिल्कुल तैयार है, ये बड़ी बड़ी और भी गाढ़ी हो जाएगी इसलिए हम अब गैस बंद कर देंगे। देखिए हमारी खीर कितनी अच्छी बनी है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। हमारी खीर तैयार है, अब हम इसकी गार्निश कर देते हैं। हमारी खीर बिल्कुल तैयार है, जो बड़ी ही आसानी से बन जाती है। आप इसको ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर बड़ी ही आसानी से खीर बना पाएंगे। मेरा चैनल ऑनलाइन किचन सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।